पांचवें चरण में होने वाले अमेठी और सातवें चरण में होने वाले वाराणसी और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। वाराणसी के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के सामने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के सामने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के सामने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उम्मीदवार हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे 2019 के चुनाव में भी वाराणसी से ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में सपा की शालिनी यादव को 4,69,000 से अधिक वोटों से हराया था। इसी तरह 2014 के चुनाव में भी अजय राय कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तीसरे स्थान पर रहे थे। तब वाराणसी से पहली बार चुनाव में उतरे नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। इससे पहले 2009 का चुनाव भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जीता था। कांग्रेस को 1984 के बाद 2004 के चुनाव में इस सीट पर सफलता मिली थी। तब उसके प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा सांसद चुने गए थे। राजेश मिश्रा अब भाजपा में है। इस बार चुनाव में फर्क ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी को सपा का समर्थन भी है, क्योंकि दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा क्षेत्र से अपने लंबे जुड़ाव की बदौलत चुनाव तो पूरे उत्साह से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का चक्रव्यूह भेदने की बड़ी चुनौती है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमेठी से ही 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी को परास्त कर चुकी है। किशोरी खुद पहली बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले वे चुनाव प्रबंधन ही करते रहे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के सामने भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मैदान में है। पंकज 6 बार इसी क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, जबकि वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ही आने वाली फरेंदा सीट से 2022 में पहली बार विधायक चुने।